बुलंदशहर से बड़ी खबर। एवरेस्ट मैन के नाम से विख्यात IAS ऑफिसर और बुलंदशहर के DM रविंद्र कुमार को लेखन के क्षेत्र में मिला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पुरस्कार। DM को एवरेस्ट सपनों की उड़ान और सिफर से शिखर तक पुस्तक के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से किया गया सम्मानित। सम्मान मिलने के बाद बोले DM, सिफर से शिखर तक और सपनों की उड़ान युवाओं के सपनों को लगाएगी पंख। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं को नया रास्ता दिखाएंगी दोनों किताबें। दो दो बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले IAS अफसर हैं बुलंदशहर DM रविंद्र कुमार। सर, आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से सच्चिदानंद पुरस्कार से नवाजा गया है, ये किस आधार पर और किन उपलब्धियों को लेकर आपको ये सम्मान से नवाजा गया है? सर, मेरी पुस्तक एवरेस्ट सपनों की उड़ान सिफर से शिखर तक को वर्ष 2019 में प्रकाशित पुस्तकों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक फरवरी 2019 में ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। उस समय में भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में तैनात था और पेयजल मतलब जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ गंगा जल लेकर दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। चूंकि यह चढ़ाई बहुत खतरनाक होती है, इसलिए बुक पब्लिश होने के बावजूद भी मैं इसको विधिवत रिलीज नहीं करवा पाया था। जब उधर से सफलतापूर्वक चढ़ाई करके लौटा तो फिर बुलंदशहर में मेरी तैनाती हो गई और उधर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण मैं इसको कभी भी विधिवत रिलीज नहीं करवा पाया। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को एक नई पहचान दी है। मेरा मानना है कि इस पुस्तक में सकारात्मक मानसिक चित्रण विधि को डिटेल में लिखा गया है और अगर युवा स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सकारात्मक मानसिक चित्रण मतलब पॉजिटिव विजुलाइजेशन की प्रक्रिया को पढ़कर उसका लाभ उठाएं तो उन्हें अपना सपना सच करने में, सपना को पूरा करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।